और सुबह से काफी, क्योंकि वो हरियाणा की लड़की थी, खासा टिकटॉक पे एक्टिव थी, वैसे भी लोगों में एक उसका क्रेज था अपने आप में, उसको लेकर के सारा दिन से बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं इस किस्म की कि उसकी मौत का कारण पता लगना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। बारी बारी से लोग डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। मैंने आज सुबह से जो जितने भी तुम्हारे खास करके खबर का काटा एक चैनल जो चलता है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जी, उसको मैंने वॉच किया है, उस पर खासा लोगों की बहस है इस बात को लेकर के कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, सीबीआई से जांच करा लेनी चाहिए बीजेपी को, इसमें परहेज नहीं करना चाहिए। लगातार सर उनकी मौत को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं संशय लगातार जारी है कि उनकी मौत जो कहीं ना कहीं राजनीति के चलते, आपको ऐसा लगता है? अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये तो अगर जांच हो इसकी सही ढंग से तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आज कोई किसी पे उंगली उठाए, कोई किसी के बारे में कहे कि भाई फला आदमी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फला की हो सकती है, तो अगर सीबीआई की जांच होगी तो अपने आप सारी चीजें सामने आ जाएगी। अगर उसकी डेथ कोई ओवरडोज से हुई है तो पता लग जाएगी, जांच में सारी चीजें सामने आ सकती है, जांच होनी चाहिए। ये तो टीचर्स की भर्ती नहीं कर रहे, प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैंने जो सुना है कि प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन ने पैसे इकट्ठे करके और दिए हैं इनको कि आप स्कूल बंद करो। नई एक जो इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है कि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो 500 रुपया देना पड़ेगा, अगर वो प्राइवेट में जाएगा तो सरकार उसका 1500 रुपया देगी। भी आप 1500 रुपया देने की बात करते हो, आप टीचरों की भर्ती क्यों नहीं करते? उनकी तनख्वाहें दो, उनको भर्ती करो, अच्छी एजुकेशन बच्चों को दो। गांव में स्कूल बंद हो जाता है, सबसे बड़ा नुकसान पता है किसको है? गरीब आदमी का, जो बच्चा है, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं। चौधरी देवीलाल ने तो कैसे गांव का बच्चा स्कूल जा करके पढ़ सके, उसके लिए उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, 1 रुपया बच्चे को स्कूल जाने का दिया जाता था गरीब आदमी के बच्चे को, ताकि वो जा करके अपनी पढ़ाई शुरू करे उस लालच में। और ये बंद कर रहे हैं उसको, कितना मतलब, ये चाहते क्या है? ये समस्या बाहर है, रोजाना इस तरह के फैसले ले लेते हैं और फिर 4 दिनों के बाद अपने फैसले बदलते हैं। किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, किसको एजुकेशन दिलाने की बात कर रहे हैं? 1500 रुपये किसका भरना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं? क्यों 500 रुपया गरीब आदमी का बच्चा जो गांव के स्कूल में पढ़ने जाता है उसे लेना चाहते हैं? इसलिए लेना चाहते हैं 500 रुपये उसे, ताकि गरीब का बच्चा पढ़ ही ना सके। ये तो लोगों को अनएजुकेटेड करना चाहते हैं। ये आरएसएस की एक पॉलिसी है कि जो गरीब है उसको इतना गरीब कर दो, उसको इतना कमजोर कर दो कि वो कल को किसी चीज़ का विरोध करने के बजाय, तुम्हारा जो कल को कोई भी छोटा मोटा जो इलेक्शन के टाइम में लालच लोभ जो देते हो, उसकी वजह से वो तुम्हारे पक्ष में वोट डालते हैं। वो गरीब को मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये तो केवल इस प्रदेश के अंदर कुछ लोगों को देश के अंदर धनवान करके और सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। एक सवाल सर बुढ़ापा पेंशन से जुड़ा हुआ है, सरकार की तरफ से जो है करीब करीब 4-5 लाख जो है बुजुर्ग उनकी पेंशन काट दी गई है, आपकी तरफ से लगातार कहीं ना कहीं मुद्दा उठाया जाता है, विधानसभा में आपने कहीं की बात रखी, उसको कैसे देखते हैं? 4.5 लाख लोगों की पेंशन काटी गई है अब तक। जो पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी उसमें उन्होंने आय नहीं देखी थी किसी की, उन्होंने केवल जो है बुजुर्ग को कैसे सम्मान मिले, कैसे बुजुर्ग की जेब में उस वक्त का 100 रुपया आज के 10,000 से ज्यादा है, और आज आप देखते हो कि किस तरह से बुजुर्गों को जो है लोग घर से बेघर कर देते हैं। आज वो पेंशन इस सरकार को बढ़ानी चाहिए थी, भाजपा ने ये कहा था, वायदा किया था कि हम 3100 तक इस पेंशन को करेंगे 2000 वाली को, अब 3100 की बजाय उन्होंने 2500 पे रोक दिया उसको। पेंशन बढ़ानी चाहिए, उनको अपना वायदा पूरा करना चाहिए, इसको 3100 तक ले जाना चाहिए, और जिनकी पेंशन काटी है उनकी पेंशन
पीछे जिस दिन से कटी उस दिन से लेकर के अब तक उनकी पेंशन देनी चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है, मैंने पंजाब के एक वरिष्ठ पत्रकार का बयान सुना था और उसने आरटीआई में ये चीज़ मांगी थी। सरकार की अपनी दी हुई आरटीआई की बात है, हमारे यहाँ एक कार्ड के ऊपर 5,000 पेंशन दी जा रही है। एक आईडी जो बना है ना आपका, इसको कहते हैं जो कार्ड, आधार कार्ड जो है, नहीं आधार कार्ड जो है, एक आधार कार्ड के ऊपर 5,000 पेंशन एक आदमी को वो दी जा रही है। सरकार कर क्या रही है, कहाँ सोई हुई है, किसने वो पेंशन बनाई, उतनी पेंशन है आधार कार्ड के ऊपर, एक आधार कार्ड पे 5,000, उस चीज़ की सरकार को पड़ताल करनी चाहिए और किसने बनवाई उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। पर पक्का ये मिलेगा, कोई आरएसएस के आदमी का काम होगा, सरकार का कोई नज़दीकी होगा जिसने सरकार का पैसा खाने का काम की, तो लुटेरों का गिरोह है, ये सरकार नहीं है। दोनों हाथों से इस प्रदेश को लगातार लूट रहे हैं। इन्होंने गरीब को मार दिया, गरीब के बच्चे को मार दिया, बुढ़ापा पेंशन ख़त्म करके बुजुर्ग को ख़त्म कर दिया, किसान को ख़त्म कर दिया। अब की बार 8 जिलों में किसानों की फसल 100% तबाह होगी, अब तक कोई गिरदावरी नहीं। विधानसभा में खड़े होकर के झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती इनको, कह देते हैं कि हम तुरंत जो है ऑर्डर करेंगे गिरदावरी के, स्पेशल गिरदावरी होगी। आज कितने दिन हो गए, कोई गिरदावरी नहीं है, लोगों ने खड़ी फसलें बा दी अपनी ताकि कोई अगली फसल की तैयारी कर ले। आज भी खेतों में पानी खड़ा है, जो आपका नारनौल का इलाका है, गुराना ये जो गाँव है, 5-5, 4-4 फुट पानी आज भी खड़ा है, कोई वहाँ पानी निकालने की व्यवस्था नहीं करी है। लोग तराई तराई कर रहे हैं, परेशान हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो अपनी रोज़ नई पॉलिसी बनाते हैं, किस पॉलिसी के तहत कितना पैसा इनके जेब में आए उस काम में लगे हुए। एक सवाल सब दात जैसे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया था और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया, जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सीबीआई का और जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। हाल ही में आपने बयान सुना होगा मनीष सिसोदिया का, दिल्ली के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा इनको तोड़कर जो है वो हमारे पास आ जाओ, आपको बीजेपी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे और कहीं ना कहीं जितनी भी आपके केस है वो सारे खत्म कर देंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये आज से नहीं, बहुत समय से इस तरह का गंदा खेल कर रहे हैं, ये गलत है। प्रजातंत्र में इस तरह से नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में इन्होंने ये किया, दिल्ली में भी ये करना चाहते होंगे, हमारे साथ भी इन्होंने यही किया था। प्रधानमंत्री इन्होंने इनको सबजबाग दिखाए थे चीफ मिनिस्टर के कि हम आपको अपने साथ खड़ा करेंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और इस तरह के सबजबाग दिखा करके इनको ले गए थे। एक सर हरियाणा की बात करें तो गठबंधन में सरकार चल रही है, अभी हाल ही में आपने टोहाना का पूरा एपिसोड देखा होगा कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली और सुभाष बराड़ा के समर्थकों के बीच और उन दोनों नेताओं के बीच जिस तरह की कहीं ना कहीं बात, जो देवेंद्र बबली ने बयान दिया है, देवेंद्र बबली का बयान मैंने सुना है, उसने बहुत खुला आरोप सरकार के ऊपर लगाया कि सरकार में शरेआम भ्रष्टाचार है। अगर उनका एक मंत्री ये आरोप लगाता है कि भ्रष्टाचार खुला है और ये कहा है कि भाई 500 करोड़ रुपए जिनके पास बैठने को घर नहीं था उन लोगों ने कमा लिए सत्ता में रहते हुए, तो फिर सरकार को या तो इस बात की जांच करानी चाहिए कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसकी जांच सीबीआई से कराए। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सारे काम चल रहे हैं और मुख्यमंत्री को कमाल ये है कि विधानसभा में आरोप लगाते हैं लोग, विधानसभा में हमने खुल करके कहा है कि तेरे हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, इतने इतने परसेंट पैसे लिए जा रहे हैं, यहाँ तक भी अब की बार आरोप लगे थे कि कौन कौन आदमियों के माध्यम से कलेक्शन की जाती है, कोई जांच नहीं। मतलब इतनी बेशर्मी हमने तो आज तक किसी सरकार में नहीं देखी कि किसी के खिलाफ आप इस तरह के आरोप लगाओ और विधानसभा के सेशन में लगाओ और आप जो है हंसते हंसते उस बात को टाल रहे हो, इसका मतलब आप भी इसमें शामिल हो गए, आप भी फिर दूध के धुले हुए नहीं हो। तो आज तो मंत्रियों ने भी आरोप लगा दिए इनके, बबली ने तो खुला आरोप लगा दिया कि इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार है कभी था ही नहीं, तो अब कौन ठीक है इस बात का काम तो मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। अब या तो जांच कराओ इस बात की, नहीं जांच कराओ तो इस्तीफा दे।